हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का एक आर्थिक संगठन है। इकोवास क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी देशों का संगठन। लागोस की संधि के तहत 28 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई। इकोवास की स्थापना कब हुई? लागोस की संधि के तहत 28 मई 1975 को। इसका मुख्यालय है अबूजा, नाइजीरिया में। इसका मुख्यालय कहाँ है? अबूजा, नाइजीरिया में। इकोवास पश्चिमी अफ्रीकी में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 सदस्य देशों का एक गुट है। क्या है? एक गुट है। इसमें आपका कैफ वर्डे शामिल है, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, बेनिन, जाम्बिया, घाना, गुआना, गिनी बिसाउ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेरा लियोन, सेनेगल, टोगो। इकोवास में 15 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ये नीचे दिए गए, ठीक है, याद रखना। अगर हम लोग इकोवास के उद्देश्य व सिद्धांत की बात करें तो इकोवास संधि के अनुच्छेद 3 में अंतर्निहित सदस्य राज्यों में समानता और अंतर्निर्भरता, एकजुटता और सामूहिक आत्मनिर्भरता, अंतरराज्य सहयोग, नीतियों का सामंजस्य और कार्यक्रमों का एकीकरण, सदस्य राज्यों के बीच गैर आक्रामकता, अच्छे पड़ोसी की भावना के प्रचार और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, स्थायित्व, सुरक्षा का रखरखाव, सदस्य देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, पड़ोसी देशों के बीच सक्रिय सहयोग और आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में शांतिपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देना, इसके इकोवास के सिद्धांत और उद्देश्यों में शामिल है। अफ्रीकन चैरिटर ऑन ह्यूमन एंड पीपल राइट्स के प्रावधानों के अनुसार मानव और लोगों के अधिकारों को मान्यता, संवर्धन और संरक्षण, विकास में जवाबदेहिता, आर्थिक सामाजिक न्याय और लोकप्रिय भागीदारी, समुदाय के नियमों सिद्धांतों की मान्यता और पालन, छः जुलाई 1991 को अबूजा में राजनीतिक सिद्धांतों की घोषणा द्वारा परिकल्पित प्रत्येक सदस्य राज्य में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रचार और समीकरण, आर्थिक सहयोग और एकीकरण की लागत और लाभों का न्याय संगत और समतापूर्वक पूर्ण वितरण, ये सभी आपके इकोवास के उद्देश्य और सिद्धांत थे, ठीक है। अगर हम लोग इकोवास के अन्य तथ्यों की बात करें तो जून 2007 में इकोवास ने संकल्प द्वारा विजन 2020 अपनाया। इसका उद्देश्य क्या था इस विजन का? क्षेत्र की एकीकरण और विकास प्रक्रिया को जन केंद्रित और जन संचालित बनाना। सितंबर 2019 में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा का नाम बदलकर इको रखा है। ये सभी देश इकोवास के सदस्य हैं जिन्होंने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर ईको रखा है। ये सभी आपके इकोवास के सदस्य हैं। तो ये था आपका द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, यानी कि पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का एक आर्थिक समुदाय है। आगे हम लोग बात करेंगे AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में।